यूपीपीसीएल जी हाँ दोस्तों, यूपीपीसीएल की तरफ से बेहतरीन रिक्रूटमेंट आ चुका है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो हमारे जो भी दोस्त अभी हाल ही में पास आउट यानी फाइनल सेमेस्टर में रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर कि उनके निकलते ही ये वैकेंसी आ गई और बहुत ही अच्छा अवसर आ गया आपका जेई बनने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में और जानेंगे कितने पोस्ट के लिए आया है और कौन कौन से जो है डिप्लोमा होल्डर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारियां यहां पे हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको हम ले चलते हैं हम सबके ऑफिशियल वेबसाइट कैरियर यूथ पे। कैरियर यूथ बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप करवा सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू जाके घर बैठे ही। मतलब आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर देना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म हम फिलअप करेंगे और उसके लिए चार्जेस भी आपको बहुत नाम मात्र के लिए देने होते हैं, उसका चार्जेस आप डिटेल आपको दे दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल। नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंजीनियर जेई ट्रेनी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म, ये आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म फिलअप किया जाएगा 4/12/2020 से, यानी 4 दिसंबर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं अभी जो फाइनल ईयर में हैं तो उनके रिजल्ट्स भी तब तक आ जाएंगे, तो इसलिए वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है दोस्तों, आप अभी से तैयारी में लग जाइए। लास्ट डेट अप्लाई करने के 28/12/2020 और ऑनलाइन लास्ट डेट पेमेंट के लिए 28/12/2020। एग्जाम डेट की हम बात करें तो फरवरी 2021 है और जनरल फीस डिटेल्स की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 1000 रुपए, एससी एसटी के लिए 700 रुपए है, पीएच की बात करें तो उनके लिए मात्र 10 रुपए पे करने हैं। और ये पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या किसी भी ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट कर देना है। एज लिमिट्स की हम बात कर ले तो 1/1/2020 तक जो है दोस्तों मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का भी जो है लागू होगा, वो आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट से, कितनी वैकेंसी है, कितने पोस्ट है उससे रिलेटेड जानकारी। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जे इलेक्ट्रिकल के लिए 191 पोस्ट है। जी हाँ, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, 191 पोस्ट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपके पास जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। तो जिन दोस्तों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर ले जूनियर इंजीनियर ट्रेनी जे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए 21 पोस्ट है और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीटें देख सकते हैं 81 है जनरल के लिए, 21 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 25 है ओबीसी के लिए और एससी के लिए 60 सीटें, मतलब बेहतरीन अवसर है सभी छात्रों के लिए। चलिए अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम दिखा दे रहे हैं आपको। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करेंगे दिखाएंगे, सैलरी देख सकते हैं, पे स्केल जो है यहाँ पे एज पर 7 पे कमीशन, तो यहाँ पे 44,900 रुपये आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होगी। और इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं और फॉर द जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट के लिए भी बात कर चुके हैं। डिप्लोमा रिसीव्ड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन नॉट एलिजिबल, मतलब जो रेगुलर नहीं किए होंगे उन्हें वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। मिनिमम एज से रिलेटेड बात कर लिया गया है और सारी चीज़ें जानकारी बात कर ली गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर प्रोसेस जो क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, तो इतने सारी जगहों पे यहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। आपको 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल 200 नंबर का ये पेपर होगा और टोटल 200 क्वेश्चन भी रहेंगे, आउट ऑफ विच 150 क्वेश्चन शैल बी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेबस, मतलब आपके ट्रेड वाइज से जो है 150 क्वेश्चन आएगा और इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का होगा यानी अवेयरनेस का होगा और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी से होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके आने हैं, मतलब 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 तो आपके सिलेबस से होगा, आपके सब्जेक्ट से होगा और 50 नंबर का ये सारी चीजें होंगी। ईच करेक्ट आंसर कैरी
वन मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क, मतलब अगर आपको करेक्ट आंसर मिलता है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और रॉन्ग करते हैं तो 0.25, यानी इतना नंबर आपका 1/4 जो है कट कर लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जैसे ही फॉर्म आ जाएगा हम आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो ये थी अपडेट दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है, अपने सारे दोस्तों में आप जरूर पहुंचा दें कि वो पढ़ाई में लग जाएं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही पॉलिटेक्निक और BTP से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, जॉब वगैरह सब चीज आपको यहां मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।